हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, ये वैकेंसी आपका झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा निकाला गया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह का यूजफुल नोटिफिकेशन आपको लगातार प्राप्त होता रहेगा। ये वैकेंसी जो है आपका ग्रामीण ऊर्जा साथी योजना के द्वारा निकाला गया है, जो कि आपका आवेदन संबंधी ये सूचना है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि वर्तमान में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ग्रामीण क्षेत्रों में एंड्रॉयड मोबाइल आधारित फोटो स्पष्ट व्यक्तिकरण का कार्य किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो पोस्ट का नाम है ऊर्जा साथी है। वर्क जो आपका रहेगा मीटर रीडिंग के से संबंधित रहेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं क्लियर किया गया है कि सभी चिन्हित ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण ऊर्जा साथी के माध्यम से विद्युत विद्युतीकरण के लिए एवं राजस्व वसूली का कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट यहां पर क्लियर किया गया है कि प्रथम चरण में 12 जिलों के अंतर्गत पड़े वाले 23 विद्युत आपूर्ति और प्रमंडल की कुल आप देख सकते हैं 1157 ग्राम पंचायतों के लिए ऊर्जा साथी का चुनाव किया जाएगा, चयन किया जाएगा। योग्यता के बारे में बात किया जाए तो योग्यता आप देख सकते हैं जो भी इच्छुक कैंडिडेट होंगे वे सिर्फ 10वीं पास ही मांगा गया है। और नेक्स्ट यहां पर लिखा हुआ है कि अगर आपकी योग्यता स्वयं सहायता समूह में कार्यरत व्यक्ति अथवा समूह या साइबर कैफे संचालक हो सकते हैं या मोबाइल दुकान संचालक हो सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक दुकान संचालक हो सकते हैं, जो भी योग्यता रखते हुए हैं। और ये आपका टोटल देख सकते हैं विद्युत आपूर्ति और प्रमंडल के अंतर्गत कुल 1157 ग्राम पंचायतों के लिए ग्रामीण ऊर्जा साथी का चयन किया जा रहा है। इससे संबंधित यहां पर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि इससे संबंधित विद्युत अभियंता ए माने असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विद्युत आपूर्ति और प्रमंडल के कार्यालय में किसी भी दिन आपका जो फॉर्म का जो शुल्क लगेगा 118 रुपये लगेगा। और ये फॉर्म जो है आपको 25/8/2022 तक जमा करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि ग्रामीण ऊर्जा साथी का जो चयन होगा उसके बारे में डिटेल लिखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिलिंग और राजस्व वसूली का ही आपका काम होगा। बढ़ोतरी के लिए ऊर्जा साथी का जो आपका कमीशन बेस एजेंट का ग्राम पंचायत वार चयन किया जा रहा है। इसके लिए 10वीं पास मैं पहले ही बता चुका हूँ। और सबसे पहले जो होगा आपका स्थानीय अनुसूचित जनजाति का इसमें चयन किया जाएगा, उसके बाद आपका अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लिए चयन किया जाएगा और प्राथमिकता दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं कि जो ऊर्जा साथी का जो चयन किया जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक ग्रामीण ऊर्जा साथी के लिए अधिकतम आपको 500 उपभोक्ता मतलब 500 लोगों के घर में आपका उपभोक्ता कहने का तात्पर्य यही हो सकता है कि और जिसके लिए आपका ई वॉलेट MPOs के द्वारा आपको राजस्व संग्रहण की का काम दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि ग्रामीण ऊर्जा साथी उक्त कार्य हेतु मोबाइल इंटरनेट सहित ब्लूटूथ प्रिंटर और समतुल्य उपकरण एवं पेपर रोल का व्यवस्था आपको खुद ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि ग्रामीण ऊर्जा साथी द्वारा राजस्व संग्रह करने के लिए आपको ई वॉलेट किया जाएगा, जो कि आपका देख सकते हैं लिखा हुआ है कि इसकी सुविधा जो है मोबाइल पर ही निगम द्वारा आपको कर दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्लियर किया गया है कि संबंधित जिला के आपका मैट्रिक या 10वीं पास जो भी इच्छुक व्यक्ति होंगे ऊर्जा साथी के लिए आवेदन संबंधी सहायक विद्युत अभियंता या विद्युत आपूर्ति और प्रमंडल कार्यालय में आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म जमा करना पड़ेगा। और यहाँ पर क्लियर किया गया है कि स्थानीय गांव का जो भी आपका पहले ही मैं बता चुका हूँ कि मोबाइल ऑपरेटर साइबर कैफे इलेक्ट्रॉनिक दुकान चलाने वाले जो भी व्यक्ति होंगे जिनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपका 10वां पास होगा वो आप वे व्यक्ति फॉर्म जमा कर सकते हैं। आवेदन का जो प्रक्रिया है आप देख सकते हैं कि आवेदन का प्रक्रिया जो है क्लियर किया गया है। संबंधित विद्युत आपूर्ति आप लोग समझ ही गए होंगे कि आवेदन का जो प्रक्रिया है 118 रुपये आपको फॉर्म लगेगा। और यदि आपकी क्वालिफिकेशन 10 क्लास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। चयन का जो प्रक्रिया होगा, चयन का प्रक्रिया के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, देख सकते हैं कि चयन का प्रक्रिया क्या होगा। देख सकते हैं लिखा हुआ कि विद्युत कार्यपालक अभियंता माने SDO हो गया, असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गया, JE हो गया,
है ना, ये सब सारे आपस में विचार विमर्श के द्वारा ही चयन की प्रक्रिया सर्वप्रथम देख सकते हैं क्लियर किया गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आपका रहेगा और पिछड़ा वर्ग के लिए आपका चयन में प्राथमिकता दिया जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पर यह भी क्लियर किया गया है कि पंचायत के लिए एक से या एक से अधिक आवेदन आने की स्थिति में लॉटरी के माध्यम से भी आपका आवंटन किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर यह भी क्लियर किया गया है कि आवंटन से पहले विद्युत कार्यपालक अभियंता, सहायक विद्युत अभियंता, कनीय विद्युत आवेदन अभियंता जो भी रहेंगे, मतलब JE हो गए, STO हो गए, है ना, स्कूटी इंजीनियर हो गए, वो सब सब आपके न्यूनतम जो आता की जांच किया रहेंगे कि आपका क्वालिफिकेशन मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका जो कार्य का जो समय रहेगा, अवधि रहेगा, वो आपका 24 बिलिंग माह रहेगा, मतलब 2 साल आपका रहेगा। इसका विस्तार भी किया जा सकता है। हम लोग मैं सारा चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं प्राथमिक यहाँ पर क्लियर किया जा रहा है, आपको प्रोत्साहन का या जुर्माना भी आप पर लग सकता है, ये सब सारा क्लियर किया गया। एकरनामा भी आप देख सकते हैं क्लियर किया है, आपको एकरनामा का भी यहाँ पर क्लियर किया गया है, प्राथमिक भुगतान की प्रक्रिया भी आपका क्लियर किया गया है। तो सारे तथ्य को आप अच्छे तरह से पढ़ ले, समझ ले, तभी इस फॉर्म को आवेदन करें, लेकिन अच्छा मौका है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि परफॉर्मेंस सुरक्षा राशि आपको यहाँ पर यहाँ क्लियर किया गया है कि चयनित ग्रामीण ऊर्जा साथी को 20,000 रुपये, यहाँ क्लियर किया गया है, देख लीजिए 20,000 रुपये की मात्रे की राशि संबंधित विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल के कार्यालय में आपको जमा करना पड़ेगा, जिसका उपयोग ई वॉलेट के प्रारंभिक रिचार्ज के लिए आपको किया जाएगा, जो कि आपका मोबाइल में ही दिया जाएगा, जो कि पहले मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कारनामा भी आपके साथ होगा। यहाँ पर लिखा गया है कि चुने गए अभ्यर्थी को विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल के साथ आपका एक कारनामा किया जाएगा। निष्कासन के बारे में भी डिटेल लिखा गया है, पहचान पत्र भी आपको दिया जाएगा, चयनित ग्रामीण ऊर्जा संबंधी आपको देख सकते हैं ड्यूटी आवर में ही आपको इसका उपयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्लियर किया गया है, देख सकते हैं यह आपका स्टाम्प पेपर का है, शपथ पत्र आपको देना पड़ेगा, शपथ पत्र का ये प्रारूप है। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो आवेदन है ग्रामीण ऊर्जा विकास साथी निबंधन हेतु आवेदन का पत्र है, आप इसको अच्छी तरह से भर सकते हैं। यहाँ क्लियर किया गया है कि मुखिया अथवा सरकारी स्कूल के, देखिए एकदम सारे तथ्य को क्लियर कर रहा हूँ, मुखिया अथवा सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य अथवा राजपत्रित अधिकारी के द्वारा आपको सत्यापित फोटो ही लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट देख सकते हैं क्लियर किया गया है, और साथ ही साथ इसमें ये भी क्लियर किया गया है कि कौन कौन सा जिला रहेगा आपका, हम लोग आगे देखते हैं। ये जो आपका जिला रहेगा इसमें आगे क्लियर किया गया है, क्योंकि ये 69 पेज का है, काफ़ी लंबा आपका दिया हुआ है प्रोस्पेक्टस। यह आपका देख सकते हैं जो रहेगा जिला सरायकेला रहेगा, सरायकेला खरसावां, पलामू, देवघर, गोड्डा और गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम और आपका कोडरमा रहेगा और साहेबगंज जिला क्लियर किया गया है। क्वालिफिकेशन आप लोग समझ ही गए हैं, 10th पास है। और यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर रहेगा आपका कि आपका जो लास्ट डेट है 25 अगस्त तक ही लास्ट डेट है, और इसमें ये भी क्लियर मैं कर चुका हूँ कि 1500 उपभोक्ता का आपका रहेगा। और नेक्स्ट यहाँ पर जो एप्लीकेशन है आपको 25 तारीख तक फॉर्म भरना है, फीस आपका ₹118 रहेगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्लियर किया गया है, आप लोग सारे मैं PDF लिंक में डाल दूँगा, आप लोग सारा देख सकते हैं। यदि यह वीडियो आप सबों को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह का यूजफुल नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता